हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू निर्भर एकेडमी। आई एम ज्योति। सो आई एम बैक विद इंग्लिश लेक्चर। आज हम कंप्लीट करेंगे फिगर्स ऑफ स्पीच, द वॉइस ऑफ द रेन। इससे पहले जो मैंने आपके साथ वीडियो शेयर किया था, उसमें मैंने इसके एक्सप्लेनेशन और इंट्रोडक्शन शेयर किया था। अब हम फिगर्स ऑफ स्पीच करने वाले हैं। लाइन वाइज मैं आपके साथ सभी फिगर्स ऑफ स्पीच यहाँ पर डिस्कस करूंगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल प्रोसीड विद द टाइटल। लाइक आप देख सकते हैं यहाँ पर जो टाइटल है, द वॉइस ऑफ द रेन, ये भी क्या है, एक फिगर्स ऑफ स्पीच इसमें यूज हुआ है। बिकॉज जो वॉइस होता है वो ह्यूमन बींग्स यूज करते हैं। वॉइस का मतलब क्या होता है, आवाज। हम जब बोलते हैं, लैंग्वेज हम यूज करते हैं। तो यहाँ पर एक डायलॉग है बिटवीन रेन एंड द पोएट, तो उन्होंने इसीलिए इसको द वॉइस ऑफ द रेन जो है वो बोला है। सो टाइटल जो है, इसमें जो आपका फिगर्स ऑफ स्पीच हुआ है वो कौन सा हुआ है, पर्सोनिफिकेशन। इसका रीजन क्या है, बिकॉज इसमें रेन को एक ह्यूमन क्वालिटी दी गई है। सो टाइटल में द वॉइस ऑफ द रेन क्या है, पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफाइड किया गया है किसको, रेन को। नेक्स्ट इज एंड हु आर दो सेड टू द सॉफ्ट फॉलिंग शावर। सो इस लाइन में देखिए आपको कौन कौन से फिगर्स ऑफ स्पीच यहाँ पे यूज हुए हैं। तो सबसे पहले इसमें देख लेते हैं हम सॉफ्ट सेड, सॉफ्ट शावर। सो यहाँ पर एस का बिगनिंग के अंदर देखिए, बिगनिंग में तीनों जो एस है आपके, बिगनिंग ऑफ द वर्ड है। तो जब भी बिगनिंग के अंदर कोई भी आपका कॉन्सोनेंट साउंड जो रिपीट होता है वो क्या होता है, आपका एलिट्रेशन होता है। सो यहाँ पे जो एस है उसके अंदर क्या यूज हुआ है, आपका एलिट्रेशन, एलिट्रेशन। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं इसमें, लाइक सॉफ्ट फॉलिंग शावर। अब जैसे ही आपके सामने हम ये लाइन बोलते हैं या आप इस लाइन को बोलते हैं, तो आपको एक इमेज जो है वो आपके सामने आ जाती है, सॉफ्ट फॉलिंग शावर। तो इसमें हमें ऐसा फील होता है कि हमारे सामने जो रेन है वो, उसका इमेज हमारे सामने आ जाता है। तो इसीलिए जब भी आपके किसी लाइन के अंदर कुछ ऐसा आपको शो होता है दैट यू आर गोइंग टू इमेजिन इट, इवन आपके सामने उसकी इमेजिनेशन आ जाती है, तो वो क्या होता है, वो होता है आपका इमेजरी। ठीक है, सो इसमें क्या हुआ है, आपका इमेजरी यूज हुआ है, इमेजरी, इमेजरी। सो रीजन क्या है, गिव इमेज ऑफ रेनिंग, गिव इमेज ऑफ रेनिंग। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं हम, ये एक लाइन में हमारे दो फिगर्स ऑफ स्पीच हो गए। विच स्ट्रेंज टू टेल गेव मी एन आंसर एज हियर ट्रांसलेटेड। सो यहाँ पर देखिए टू टेल, यहाँ पे आपका एलिट्रेशन है, टे साउंड यहाँ पे रिपीट है, तो क्या हो गया आपका एलिट्रेशन, एलिट्रेशन यूज हुआ है क्योंकि कॉन्सोनेंट साउंड टे यहाँ पे रिपीट है। उसके बाद आगे आ जाते हैं नेक्स्ट लाइन में हम, नेक्स्ट लाइन में देखिए, आई एम द पोम ऑफ द अर्थ सेड द वॉइस ऑफ द रेन। सो इसमें देखिए आई, आई किसने यूज किया है अपने लिए, रेन ने अपने आप को यहाँ पर पर्सोनिफाइड किया है। सो आई जो है उसने अपना कंपैरिजन किया है दैट आई एम द पोम ऑफ द अर्थ, मीन्स टू से दैट यहाँ पर कंपैरिजन है किसके साथ है, पोम के साथ है। तो यहाँ पर ये आपका हो जाता है मेटाफर। ठीक है, मेटाफर में क्या होता है, एक इनडायरेक्ट कंपैरिजन होता है, उसमें वो क्वालिटी नहीं बताता है, कंपैरिजन होता है। लाइक जैसे आपका सिमिले होता है, सिमिले में एज और लाइक वर्ड्स यूज होते हैं, उसमें डायरेक्ट कंपैरिजन होता है विद क्वालिटी। यहाँ पर सिर्फ उसने कंपैरिजन किया है, इनडायरेक्ट कंपैरिजन है, पर कोई क्वालिटी यहाँ पे शो नहीं हुई है। सो ये क्या है आपका, मेटाफर, मेटाफर, मेटाफर क्यों है, कंपैरिजन ऑफ अर्थ विद पोम, कंपैरिजन ऑफ अर्थ विद पोम, तो ये मेटाफर हो जाएगा। उसके बाद है आई, बिकॉज यहां पर उसने अपने आप को पोम ऑफ द अर्थ बोला है, तो मेटाफर हो गया, और यहां पे एक ह्यूमन क्वालिटी भी उसे दी गई है, तो ये क्या हो गया आपका, पर्सोनिफिकेशन, पर्सोनिफिकेशन।
परसोनिफिकेशन क्यों है? क्योंकि रेन को परसोनिफाइड किया गया है। इसमें क्या किया गया है? गिव ह्यूमन क्वालिटी। जब भी किसी भी ऐसी थिंग के अंदर इमेजिनेशन की जाती है, एज अ उसको ह्यूमन ट्रीट किया जाता है, तो वो परसोनिफिकेशन होता है। गिव ह्यूमन क्वालिटी, इसको ह्यूमन क्वालिटी देने की कोशिश की गई है। मीन्स टू से दैट रेन इज परसोनिफाइड, रेन को परसोनिफाइड यहाँ पर किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट लाइन देख लेते हैं। नेक्स्ट लाइन देखिए, इटर्नल आई राइज इम्पैल्पेबल आउट ऑफ द लैंड एंड द बॉटमलेस सी। सो इसमें देखिए कौन से फिगर्स ऑफ स्पीच यूज हुए हैं। सो देखिए इसमें सबसे पहले है आई, तो आई है तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये परसोनिफिकेशन अगेन। सो आई परसोनिफिकेशन, बिकॉज आपके जो एग्जाम होते हैं उसमें स्टेंजा के अंदर किसी पर्टिकुलर लाइन को लेकर के भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि ईच एंड एवरी लाइन में कौन सा फिगर्स ऑफ स्पीच आपका यूज हुआ है। सो आई यहाँ पे क्या हो गया आपका, पर्सोनिफिकेशन हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर लैंड एंड सी, यहाँ पर दो अपोजिट वर्ड्स को लिया गया है। सो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया एंटीथेसिस, लैंड एंड सी। जब भी आपके कहीं पे भी कोई अपोजिट आइडियाज या अपोजिट वर्ड्स आपके आते हैं, तो वो हो जाता है एंटीथेसिस। ये हो गया फॉर अपोजिट आइडियाज। सो आपको साथ साथ में एक्सप्लेन भी कर रही हूँ ताकि आपको पता भी चलता रहे कि फिगर्स ऑफ स्पीच कैसे फाइंड आउट होते हैं। उसके बाद इसमें एक फिगर्स ऑफ स्पीच और है, वो है बॉटमलेस सी। जैसे अगर यहाँ पे आप देखते हैं बॉटमलेस सी, वो बॉटमलेस सी बॉटमलेस नहीं होता है, बिकॉज उसका एक बॉटम होता है, लेकिन यहाँ पर जो पॉइंट है उन्होंने बॉटमलेस सी को बोला है, तो ये क्या हो गया, हाइपरबली। हाइपरबली, हाइपरबली में क्या होता है कि किसी चीज को बहुत ज्यादा एग्जरेट किया जाता है, उसको बहुत ज्यादा बड़ा चढ़ा करके बताया जाता है। सो यहाँ पर बॉटमलेस सी बोला गया है, बट ऐसा होता नहीं है, बिकॉज सी का अपना एक बॉटम होता है, ठीक है। सो हाइपरबले इसमें यूज हुआ है बॉटमलेस सी में, बिकॉज सी हैज बॉटम, सी हैज बॉटम, उसको बहुत ज्यादा एग्जरेट किया गया है, इसीलिए यहाँ पर ये हाइपरबली है। नाउ नेक्स्ट लाइन इज अपवर्ड टू हेवन वेंस वेग्यूली फॉर्म्ड ऑल टूगेदर चेंज्ड एंड येट द सेम। अब जैसे ही आप ये लाइन देख रहे हैं तो थोड़ा सा आपको आइडिया हो रहा होगा कि यहाँ पर बोल रहा है चेंज्ड भी है एंड येट द सेम भी है, यानी टू अपोजिट आइडियाज अगेन, दोनों दोबारा से आपके सामने चेंज्ड एंड येट द सेम, ठीक है। तो ये आपके क्या है, अपोजिट आइडियाज हैं, तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया एंटीथेसिस, चेंज्ड एंड चेंज्ड एंड येट द सेम, येट द सेम। सो ये हो गया एंटीथेसिस। एंटीथेसिस, एंटीथेसिस में क्या होता है आपका, अपोजिट आइडियाज होते हैं, अपोजिट आइडियाज। नेक्स्ट है, आई डिसेंड टू लेव द ड्राउट्स एटोमीज डिस्क लेयर्स ऑफ द ग्लोब। सो इसमें देख लेते हैं कौन कौन से फिगर्स ऑफ स्पीच है। सो देखिए सबसे पहले है यहाँ पे आई, अगेन इट इज पर्सोनिफिकेशन, इसमें फिर से रेन को पर्सोनिफाइड किया गया, इसीलिए पर्सोनिफिकेशन हो गया। उसके बाद आप इसमें देख सकते हैं ड्राउट्स डस्ट, डी का यहाँ पर क्या हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है, बिगनिंग में देखिए वर्ड्स के डी का है यहाँ पर, तो ये आपका क्या हो गया, एलिट्रेशन हो गया। सो डी का रिपीटेशन है यहाँ पे साउंड का, बिगनिंग ऑफ द वर्ड, तो डी आपका क्या हो गया यहाँ, एलिट्रेशन, एलिट्रेशन। सो इस लाइन में दो हमें फिगर्स ऑफ स्पीच मिले, एक पर्सोनिफिकेशन मिला और दूसरा हमें मिला एलिट्रेशन। उसके बाद नेक्स्ट है,
and all that in them without me were seeds only, latent, unborn. तो इसमें देख लेते हैं कौन कौन से आपके फिगर्स ऑफ स्पीच यूज हुए हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए इसमें द, विदाउट द आ गया यहाँ पे फिर से, उसके बाद आपका द, विदाउट एंड देम. सो यहाँ आपका द साउंड जो है वो रिपीट हो रहा है, बट इसमें देखिए कॉन्टिन्यू नहीं है वो, मतलब कॉन्टिन्यू इन द बिगनिंग ऑफ द वर्ड नहीं है, बल्कि यहाँ पर द बिगनिंग में यहाँ उसको मिड में यूज किया गया है. तो इस तरह के अगर आपके साउंड आ जाते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, कॉन्सोनेंस और असोनेंस होते हैं. कॉन्सोनेंस कब होंगे, जब वो कॉन्सोनेंट साउंड होंगे. असोनेंस तब होते हैं जब उसके अंदर वॉवल साउंड होते हैं. तो यहाँ पे द का रिपीटेशन है देखिए इन इररेगुलर पैटर्न, इररेगुलर पैटर्न में है, तो ये हो गया आपका कॉन्सोनेंस, कॉन्सोनेंस. उसके बाद देखिए यहां पर W विदाउट वर, अब ये किसमें है, ये बिगनिंग के अंदर, बिगनिंग के वर्ड में है, तो ये क्या हो गया आपका, ये एलिट्रेशन होगा, दिस इज एलिट्रेशन. अगर इररेगुलर पैटर्न में है तो कॉन्सोनेंस एंड असोनेंस असोनेंस होते हैं, और अगर बिगनिंग ऑफ द वर्ड है और रिपीट हो रहा है तो वो आपका एलिट्रेशन हो जाता है. उसके बाद देखिए यहां पर एक डैम वर्ड करके आपका यूज हो रहा है, देखिए डैम, डैम यहां पर, एंड ऑल दैट इन डैम विदाउट मी वर सीड्स ओनली. तो यहां पर जो डैम है इसके लिए मेटोनमी यूज हुआ है. मेटोनमी क्यों यूज हुआ है वो भी बता देते हैं, मैडम मेटोनमी, मेटोनमी किसके लिए यूज है, ये यूज फॉर सीड्स, used for seeds, because जब भी किसी भी line के अंदर आपको लग रहा है this is the substitution for the any name, जैसे मान लीजिए trees के लिए it use कर लिया गया, जैसे labernum top हमने किया था तो उसमें जो babies थे उन उसके अंदर metonymy आया था, trees के लिए metonymy हमने use किया था. so और infinite वो भी आपका क्या था, metonymy था, क्योंकि infinite उस infinite जो हमारा स्काई के लिए यूज होता है, तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग स्काई पॉइंट ने वहां पे इनफाइनाइट वर्ड यूज किया था, तो इसलिए वो मेटोनमी हो गया. तो यहाँ पर सीड्स की जगह देम यूज हुआ है, तो देम क्या हो गया यहाँ पे, मेटोनमी हो गया. तो इसमें वो भी देख लेते हैं कि रीजन क्या होता है, बिकॉज सब्स्टिट्यूशन ऑफ द नेम, ये रीजन होता है. जब भी आप नेक्स्ट टाइम अगर अपने आप फाइंड आउट करेंगे तो आपके माइंड में रहेगा कि हाँ अगर सब्स्टिट्यूशन किसी नाम का अगर आ जाता है तो वो क्या होते हैं, वो आपके मेटोनमी होता है. तो ये क्या है, सब्स्टिट्यूशन substitution of the name. Poet ने उसको direct use ना करके उसकी जगह कुछ और use कर लिया है, तो वो क्या हो गया है, वो आपका metonymy हो गया है. Yes, अब देखिए हम next आ जाते हैं. And forever by day and night I give back life to my own origin. और एक लाइन और देख लेते हैं, एंड मेक प्योर एंड ब्यूटिफाई इट. अब मैंने इसमें दोनों लाइंस को क्यों कंटिन्यू किया है, बिकॉज इसमें आपको एनाफोरा देखने को मिलेगा. यहाँ पे देखिए हमारे सामने तीन लाइंस है, ये है आपकी लाइंस नंबर 7, अगर आप अपनी पोएम को ध्यान से देखेंगे तो ये 7 नंबर है, ये 8 नंबर लाइन है और ये 9 नंबर लाइन है. तो इसमें आप देखिए कॉन्टिन्यू एंड का यहाँ पर यूज हुआ है, तो जब भी किसी भी लाइन के अंदर कोई भी जो वर्ड है वो कॉन्टिन्यू यूज हो रहा है इन द बिगनिंग, तो वो क्या हो जाता है, वो आपका एनाफोरा हो जाता है. तो यहाँ पे हम इसको राइट भी कर सकते हैं, एनाफोरा एक पोएटिक डिवाइस है आपकी. सो देखिए लाइंस 7, 8, 9 क्या है, ये एनाफोरा है, एनाफोरा, एनाफोरा क्या है इसमें, इन द बिगनिंग, बिगनिंग में लाइंस की जो बिगनिंग है वो किससे हो रही है, तीनों की तीनों वो आपकी एंड से हो रही है. तो इसीलिए वर्ड अगर आता है तो वो रिपीटेशन होता है, वो कहीं पे भी अगर लाइन में दो या तीन बार हो रहा है तो वो रिपीटेशन होता है. बट यहाँ पे बिगनिंग देखिए, लाइन यहाँ पे भी एंड से बिगनिंग है, यहाँ भी एंड है, यहाँ भी एंड है, तो इस तरह का अगर आपको कहीं पे भी सिक्वेंस मिलता है तो वो आपका एनाफोरा होता है. अब हम इस लाइन में फाइंड आउट करते हैं, एंड फॉर एवर बाई डे एंड नाइट आई गिव बैक लाइफ टू माई
ऑन ओरिजिन। अब इसमें देखिए आपको कितने सारे फिगर्स ऑफ स्पीच जो है वो देखने को मिल जाएंगे। कैसे मिलेंगे? सबसे पहले तो आप ये देखिए, डे एंड नाइट अपोजिट है, तो जैसे ही आपने इसको देखा तो आपके माइंड में आ गया कि डे एंड नाइट अपोजिट आइडियाज यहाँ पे हैं, तो वो क्या हो गया आपका? एंटीथेसिस हो गया, एंटीथेसिस। उसके बाद आई, फिर से आई है यहाँ पे, सो आई के लिए क्या जाएगा? पर्सोनिफिकेशन आ जाएगा, पर्सोनिफिकेशन। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पे ऑन ओरिजिन, ओ का यहाँ पे देखिए बिगनिंग ऑफ द वर्ड जो है रिपीटेशन आपका हो रहा है, तो यहाँ पर क्या है ये? ओ एलिटरेशन। यस, अब हम नेक्स्ट लाइन देख लेते हैं अपनी, एंड मेक प्योर एंड ब्यूटिफाई इट। अब इसमें देखिए, इसमें आपका जो एंड है यहाँ इसके अंदर रिपीटेशन है, बिकॉज यहाँ बिगनिंग में भी है और मिड में भी है, तो ये आपका इसका में फिगर्स ऑफ स्पीच कौन सा हो जाएगा? रिपीटेशन हो जाएगा, बिकॉज इसमें यहाँ पर एंड को 2 टाइम्स यूज किया गया है, तो ये हो गया आपका रिपीटेशन। तो यहाँ पर जो एंड है वो रिपीट हो रहा है, तो ये आपका क्या हो गया? रिपीटेशन। उसके बाद इसमें एक और यूज हुआ है आपका फिगर ऑफ स्पीच, वो है मेक प्योर, प्योर करती है, तो इसमें पर्सोनिफिकेशन हुआ है, क्योंकि मेक प्योर एंड ब्यूटिफाई इट, क्योंकि जो बनाने का काम कर रहे हैं वो कौन करता है? ह्यूमन बींग्स करते हैं, तो इसीलिए मेक प्योर एंड ब्यूटिफाई, इसमें हम क्या कर सकते हैं? इसमें हम पर्सोनिफिकेशन को देख सकते हैं, पर्सोनिफिकेशन, क्योंकि इसमें ऐसा लग रहा है कि ह्यूमन क्वालिटी इज असाइन टू रेन, कि जैसे कोई ह्यूमन बींग अपना काम करता है, उस तरह से जो रेन है वो भी उसको प्योर और ब्यूटिफाई करने का काम कर रही है। सो ह्यूमन क्वालिटी असाइंड, ह्यूमन क्वालिटी असाइंड, तो जहां पे भी आपको लगता है कि इसको ह्यूमन क्वालिटी देने की कोशिश की जा रही है, तो वो आपका पर्सोनिफिकेशन हो जाता है। उसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट में देखिए हमारा ये है, जो ब्रैकेट्स में हमारी दो लास्ट की लाइनें थी, फॉर सॉन्ग इशूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस आफ्टर फुलफिलमेंट वेंडरिंग। सो इसमें हम जब देखते हैं तो इसमें हमें बहुत ज्यादा जो से साउंड है वो आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए सॉन्ग इशूइंग, उसके बाद यहाँ पर जो एस है ये आपका इरेगुलर पैटर्न में है, ठीक है, तो ये इसीलिए क्या हो जाएगा आपका? कॉन्सोनेंस हो जाएगा, से में क्या हो गया? कॉन्सोनेंस, क्योंकि इरेगुलर पैटर्न में है तो इसे एलिट्रेशन नहीं कह सकते, हम इसे कॉन्सोनेंस बोलेंगे, कॉन्सोनेंस। उसके बाद देखिए यहाँ पर फे, फोर फुलफिलमेंट, अब ये बिगनिंग के अंदर यूज है, तो ये जो है आपका क्या हो जाएगा? ये होगा एलिट्रेशन। एलिट्रेशन। अब इसमें हम और भी देख सकते हैं, लाइक देखिए यहाँ पे आई साउंड है इशूइंग, इट्स, फिर फुलफिलमेंट में है, वेंडरिंग में है, तो यहाँ पर जो ये आई साउंड आपका रिपीट हो रहा है, ये क्या हो गया आपका? ये हो जाएगा हमारा एसोनेंस, आई एसोनेंस। अब हम लास्ट लाइन देख लेते हैं। लास्ट लाइन इज रैक्ड और अनरैक्ड ड्यूली विद लव रिटर्न्स। अब इसमें भी हमें कुछ फिगर्स ऑफ स्पीच है वो हम देख सकते हैं, लाइक रैक्ड और अनरैक्ड। जैसे ही आपने देखा दो अपोजिट आइडियाज हैं, तो ये क्या हो गया? ये आपका एंटीथेसिस होगा, रैक्ड एंड अनरैक्ड। ये किसको शो कर रहा है? ये एंटीथेसिस को कर रहा है, एंटी थेसिस। एंटीथेसिस में क्या होते हैं? अपोजिट आइडियाज। उसके बाद और देख लेते हैं इसमें, ड्यूली विद लव रिटर्न्स। अब इसमें आपको देखने को मिल रहा है
कि यहाँ पे देखिए रे का यूज हुआ, फिर यहाँ रे, उसके बाद रिटर्न्स। तो यहाँ पर जो रे है वो एक इररेगुलर पैटर्न में है, तो वो क्या हो जाएगा आपका, कॉन्सोनेंस हो जाएगा। रे इररेगुलर पैटर्न में है तो ये क्या हो गया, कॉन्सोनेंस। यस, इररेगुलर पैटर्न ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड। सो इट वॉज अबाउट योर फिगर्स ऑफ स्पीच फ्रॉम द पोम द वॉइस ऑफ द रेन। आई होप आपको लाइन वाइज फिगर्स ऑफ स्पीच अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर आपको किसी भी फिगर ऑफ स्पीच में डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए, आपको आंसर किया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो ऐसा लगता है कि हाँ हमारे लिए बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव है, हमें अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना चाहिए, तो इसे प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग कनेक्टेड विद निर्भर एकेडमी।